सर टेल मी व्हाट शुड वी डू इन वेट लॉस। बस एक छोटा सा सूत्र बता देता हूं वेट लॉस के लिए, खूब खाओ, डट करके खाओ, लेकिन खाने की क्वालिटी बदल दो। क्या खाओ? खीरा खाओ, टमाटर खाओ, पपीता खाओ, ये कम कैलोरी वाले आहार है, तरबूजा खाओ, ककड़ी खाओ, ये कितना भी खाओगे ना, एक किलो भी खा लोगे तो अभी कितना जाएगा इससे कैलोरी? बहुत ही कम। यानी ये समझ लो कि 7 से लेकर के औसतन 10 कैलोरी, तो 1 किलो में कितना हो गया, कितना हो गया, 100 कैलोरी में नहीं जाएगा। तो पेट भी भर गया आपका और क्या होगा। बहुत ध्यान से सुनो, विज्ञान की बात बता रहा हूं। अब इन सब को पचाने के लिए इसे कितना मिला आपको, मान लो 1 किलो खा लिया तो कितना मिला है, 100 कैलोरी मिला। और इसको पचाने के लिए कितना कैलोरी खर्च हो रहा है, कम से कम 300-400 कैलोरी खर्च हो रहा है, क्योंकि ऐसे नहीं पचेगा, आपकी पूरी शक्ति को निचोड़ लेगा। जैसे पेड़ा खाओगे, जलेबी खाओगे, तो उसको क्या मिल रहा है, उसमें करीब ये समझ लो कि आपने एक लड्डू खाया तो करीब 150 कैलोरी आपको मिला, और उसको पचाने में कितना शक्ति खर्च हो रहा है, मात्र 30-35 कैलोरी। तो कितना जमा हो गया, 125 कैलोरी आपका एक्युमुलेट हो गया। और इसमें क्या हो गया कि इसमें जो है ना कैलोरी आपको मात्र 100 मिल रहा है, और पचाने में कितना खर्च हो रहा है, 150 कैलोरी खर्च हो रहा है, 200 कैलोरी खर्च हो रहा है, क्योंकि उसको पचाने को भी ज्यादा शक्ति चाहिए। तो आपके कैलोरी जो जमा हुआ है ना, वो भी आपके काम में आने लग जाएगा। मेरी बात समझ में आई आप लोगों को? तो इसलिए जो है ना, ये सारी चीजें खाओ, पत्ता गोभी का सलाद खाओ, गोभियां खाओ, ये सब बहुत कम कैलोरी के आहार है और पेट भी भर जाता है। और अंत में कहो कि ऐ मन मुझे सताना मत, मुझे तड़पाना मत, मुझे दुखी मत करना। अंत में अपने मन के हिसाब से, मन को भी थोड़ा समझा करके रखना है, मन को दबा करके नहीं, मन को दबा कर वजन मत करना है, मन कभी कभी बहुत भयंकर रूप से बदला लेता है। तो मन को बड़े प्यार से पुचकारते हुए, दुलारते हुए कि ऐ मन मुझे सताना मत, तेरी बात भी मैं मान रही हूं या मान रहा हूं, तो उसके मन के अनुकूल आधी एक रोटी खा लो, तो दोनों ही काम पूरा हो गया, वजन भी कम हो जाएगा और थोड़ा सा वॉकिंग करो, घूमो, ये कदम कपालभाति क्रिया वजन कम करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। और मैंने बताया चलते हुए कपालभाति करो, वॉकिंग करते हुए करो, बैठे हुए करो, रुको मत, रोज कम से कम 1500 से लेकर 2000 बार करो, और उसको वो टारगेट रख लो कि इतना करना है, तो चलते हुए करो, वॉकिंग करते हुए करो।